हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के बारे में। मीन्स हम कैसे कैसे रेजिस्टर्स को जोड़ सकते हैं आपस में, और जब हम रेजिस्टर्स को जोड़ देंगे तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाए, तो ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, रेजिस्टर्स को दो तरह से कंबाइन किया जा सकता है, या तो सीरीज़ में या पैरेलल में। तो पहले हम डिस्कस करते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन। तो रेजिस्टर्स को सीरीज़ में जोड़ा जा सकता है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन। तो हम कब बोलते हैं कि दो रेजिस्टर्स हैं उनको हमने सीरीज में जोड़ा हुआ है? तो कैसे पता लगता है कि दो रेजिस्टर्स सीरीज में जुड़े हुए हैं? कि अगर दो रेजिस्टर्स इस तरह से जुड़े हैं कि उनके सिर्फ एक ही एंड आपस में जुड़ा है। अब अगर मैं एक कोई रेजिस्टर ड्रॉ करता हूँ, ये रेजिस्टर का सिंबल होता है, देखो। अब एक रेजिस्टर को अगर मैं ध्यान से देखूँ तो उसमें दो एंड्स होते हैं, एक एंड ये है इस रेजिस्टर का और एक एंड ये है। तो इस अगर हम ध्यान से देखें रेजिस्टर को, तो रेजिस्टर में जो है दो एंड्स होते हैं, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। तो अगर मैं एक रजिस्टर और ले लेता हूं ये, और इस रजिस्टर के भी दो एंड्स हैं, तो अगर दो रजिस्टर्स इस तरह से जुड़े हों कि उनके सिर्फ एक ही एंड आपस में जुड़े हों, बाकी के दो एंड आपस में ना जुड़े हों, तो उस टाइम हम बोलते हैं कि वो रजिस्टर्स कैसे जुड़े हुए हैं आपस में, सीरीज में। कि रजिस्टर्स आर सेट टू बी कंबाइंड इन सीरीज इफ देयर कनेक्शन इज एंड टू एंड, मतलब एक एंड से दूसरा एंड जुड़ा हुआ है, उनके दोनों एंड्स आपस में नहीं जुड़े हुए डायरेक्ट, तो उस टाइम हम बोलते हैं कि कॉम्बिनेशन कैसा है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब बात करता हूं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो अगर हमें दो रेजिस्टर्स दिए हैं, सपोज एक रेजिस्टर दिया है ये आर वन और एक रेजिस्टर दिया है ये आर टू, तो हम कब बोलते हैं कि दो रेजिस्टर्स जो है वो पैरेलल में है? तो कब होते हैं रेजिस्टर्स पैरेलल में? अगर उनके दोनों एंड्स जुड़े हों, कि इफ बोथ एंड्स ऑफ द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, देन दे आर सेट टू बी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जैसे कि यहाँ पे है, इस रेजिस्टर में दो एंड्स हैं, एक एंड ये है, एक एंड ये है, इस रेजिस्टर के भी दो एंड है, एक एंड ये है, एक एंड ये है। अगर ये एंड्स आपस में डायरेक्ट ऐसे जुड़े हों तो हम बोलते हैं कि ये किस में है इस टाइम पे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है। तो अगर दोनों एंड्स जुड़े हों तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर सिर्फ एक ही एंड जुड़ा हो तो सीरीज कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों, अगर मैं इस वन एंड को भी इससे मिला देता हूँ तो आप बताओ ये सीरीज में है या पैरेलल में? तो दोस्तों, जब मैं इन एंड्स को भी आपस में जोड़ देता हूँ तो इस टाइम पे ये सर्किट भी क्या हो जाता है, पैरेलल में हो जाता है। तो इन बातों का भी ध्यान रखना है। जैसे कुछ एक सर्किट्स हैं वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, जहाँ पे बच्चे ज़्यादातर पजल रहते हैं, उन्हें पता नहीं लगता कि कब रेजिस्टर्स को सीरीज में लेना है, कब पैरेलल में लेना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सर्किट है, ये डायग्राम मैंने एक ड्रॉ किया है, क्या कोई बता सकता है कि ये रेजिस्टर सीरीज में है या पैरेलल में है? बहुत इजी है, आप सबने बता दिया होगा कि ये कैसे जुड़े हैं, सीरीज में जुड़े हैं। तो दोस्तों, लेकिन अगर मैं कॉम्बिनेशन कुछ डिफिकल्ट कर देता हूं, अगर मैं कुछ ऐसे जोड़ दूं इनको, तो क्या आप बता सकते हो आपके सीरीज में जुड़े हैं या पैरेलल में? तो बहुत से बच्चे अब भी यही सोच रहे होंगे कि भाई ये तो जुड़े हुए हैं सीरीज में, लेकिन दोस्तों ये सीरीज में नहीं है, ये किसमें है, पैरेलल में। तो आइए समझाता हूं कैसे ये पैरेलल में। तो अगर इस तरह का सर्किट आ जाए तो ये पैरेलल में है। देखने में कई बार बच्चे धोखा खा जाते हैं, सीरीज बोल देते हैं, लेकिन नहीं, ये किसमें है, पैरेलल में। अब कैसे पता चल रहा है पैरेलल में? तो आपको ये एक रजिस्टर उठा के चलो, ये रजिस्टर, अब इस रजिस्टर के दो एंड्स हैं ये एंड। अब इस रजिस्टर को और इस रजिस्टर को चेक करो आपस में, अब इस रजिस्टर का और इस रजिस्टर का ये एंड्स तो डायरेक्ट जुड़ रहे हैं आपस में, कोई रास्ते में नहीं आ रहा इनके, तो डायरेक्ट जुड़ रहे हैं। ऐसे ये एंड और ये वाला एंड भी देखो ऐसे जाके डायरेक्ट जुड़ रहे हैं, तो इसका मतलब आर वन और आर टू तो क्या हो गए, एक दूसरे के पैरेलल हो गए। अब चेक करते हैं आर टू और आर थ्री को। अब अगर मैं आर टू और आर थ्री को चेक करता हूँ तो मुझे क्या देखने को मिलता है कि आर टू और आर थ्री के दो एंड्स तो डायरेक्ट जुड़ गए हैं, ऐसे ये वाले एंड भी डायरेक्ट जुड़ गए तार के थ्रू, तो आर टू और आर थ्री भी क्या हो गए आपस में, पैरेलल। सिमिलरली अगर मैं आर थ्री को आर वन से कंपेयर करूँ तो आर वन का एक एंड इधर जाके डायरेक्ट जुड़ रहा है आर थ्री से, सिमिलरली ये वाला एंड भी डायरेक्ट जुड़ रहा है आर थ्री से, तो इनके बोथ एंड्स दोनों एंड से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसी सर्किट को अगर मैं सिंपलीफाई करता हूं तो ये सर्किट कुछ ऐसा बन जाता है।
उस टाइम पे इस सर्किट को अगर सिंपलीफाई किया जाए तो ये सर्किट कुछ ऐसा बनेगा। तो क्लियर है कि तीनों रजिस्टर्स किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इस तरह से ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि कब सीरीज में है कब पैरेलल में है। तो अब आइए डिस्कस करते हैं कि अगर हमने रेजिस्टर्स को जोड़ दिया है सीरीज में तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा। तो इसके लिए मैं एग्जांपल के तौर पे तीन रेजिस्टर्स लेके चलता हूँ। सपोज हमारे पास तीन रेजिस्टर्स हैं और उनको मैंने जोड़ा हुआ है सीरीज में, ये आर वन, ये आर टू और ये आर थ्री। उसके बाद यहाँ पे लगा दी मैंने एक बैटरी। सपोज कितना पोटेंशियल है इसका, वी। तो V पोटेंशियल डिफरेंस मैंने इनके अक्रॉस अप्लाई कर दिया है। सीरीज में जुड़े हुए हैं तो दोस्तों आपने ध्यान रखना है कि कोई भी रेजिस्टर डायरेक्ट बैटरी से नहीं जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये जो पोटेंशियल V है ये तीनों रेजिस्टर्स में डिवाइड हो जाएगा। सपोज जो हमारा रेजिस्टेंस R1 है वो V में से V1 वैल्यू यूज कर लेता है, और सपोज R2 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस पहुंचता है, V2, और R3 के अक्रॉस पहुंचता है V3। तो हमारा जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस था V, ये डिवाइड हो जाता है तीनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस V1, V2 और V3 में। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम, क्योंकि सेम वायर है तो सर्किट में जो करंट होगा वो सेम रहेगा। इस रजिस्टर में भी आई करंट होगा, इसमें भी आई होगा और इसमें भी आई होगा। तो साफ, तो यहाँ डायग्राम से एक चीज़ क्लियर हो रही है साफ साफ कि टोटल पोटेंशियल हमारा जो है वो किसके इक्वल होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब मैं यहाँ यूज कर लूंगा ओम्स लॉ। अब V क्या है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस सपोज क्या है RS, तो ओम्स लॉ अगर मैं यूज करता हूँ तो टोटल पोटेंशियल क्या होगा, टोटल करंट इन द सर्किट इंटू इक्वलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, मीन्स आर एस, सीरीज कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस। और V1 क्या होगा, इसके अक्रॉस जो करंट है I इंटू इसका रेजिस्टेंस R1। सिमिलरली V2 होगा I इंटू R2, V3 होगा I इंटू R3। तो यहाँ से I थ्रू आउट कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा आर एस इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। इसका मतलब अगर रेजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ दिया जाए तो उनका जो टोटल रेजिस्टेंस है वो सिंपली एल्जेब्रिकली ऐड हो जाता है। अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो इसके लिए भी हम तीन रेजिस्टर्स के एग्जांपल लेके चलेंगे। सपोज हमारे पास ये तीन रेजिस्टर्स हैं, ये आर वन, ये सपोज आर टू और ये आर थ्री। तो तीन रेजिस्टर्स हैं और इनको जोड़ा, इनके अक्रॉस मैंने लगा दी एक बैटरी जिसका पोटेंशियल कितना है, वी वोल्ट। तो ये तीनों रेजिस्टर्स पैरेलल में जुड़े हुए हैं। दूसरा एक चीज़ और डायग्राम से क्लियर हो रही है कि तीनों रेजिस्टर्स जो हैं अलग अलग से डायरेक्ट बैटरी से जुड़े हुए हैं। देखिए आर वन रजिस्टर अलग से बैटरी से डायरेक्ट जुड़ रहा है, आर टू भी डायरेक्ट जुड़ रहा है बैटरी से, और आर थ्री भी बैटरी से जो है वो डायरेक्ट जुड़ रहा है। तो तीनों रजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल क्या रहने वाला है, सेम। तो तीनों रजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, वी वोल्ट। कितना होगा, V वोल्ट होगा तीनों रेजिस्टर्स के क्रॉस पोटेंशियल। लेकिन करंट तीनों रेजिस्टर्स में क्या होगा, अलग अलग। सपोज सर्किट में करंट फ्लो करता है I, तो जैसे ही करंट यहां आएगा तो ये करंट हो जाएगा डिवाइड। तो इस वायर में भी डिवाइड, इसमें भी डिवाइड और इसमें भी। सपोज इस वायर में करंट चला जाएगा आई थ्री, इस वायर में करंट चला गया आई वन, और इस वायर में सपोज करंट चला गया I2। तो इसका मतलब डायग्राम से क्लियर है कि टोटल करंट हमारा तीनों रेजिस्टर्स में क्या हो गया, डिवाइड, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब यहाँ हमें फिर से क्या यूज करनी है, ओम्स लॉ। अब V इज इक्वल टू क्या होता है, IR, तो I किसके इक्वल होगा, V बाय R, यही होगा। तो अब टोटल करंट है, टोटल करंट किसके इक्वल होगा, जो टोटल पोटेंशियल है आपने अप्लाई किया है, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट आर टी। सिमिलरली I1 किसके इक्वल होगा, जो रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस पोटेंशियल है V, डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू रेजिस्टेंस की R1। सिमिलरली I2 हमारा आ जाएगा V बाय R2, R3 आ जाएगा V बाय R3। तो यहाँ पे V थ्रू आउट क्या हो जाएगा, कैंसल। तो जब V थ्रू आउट कैंसल हो जाएगा हमारे पास आ जाएगा ये रेसिप्रोकल ऑफ टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो ये है एक्सप्रेशन फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो इसका मतलब अगर रेजिस्टर्स को पैरेलल में जोड़ दिया जाए देन जो रेसिप्रोकल होगा उनके टोटल कॉम्बिनेशन का, उनका टोटल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल किसके इक्वल होगा, सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। मतलब अलग अलग रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल्स का
रेसिप्रोकल्स के सम के इक्वल होगा। तो ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। कीप सपोर्ट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।